मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ आज बैठा हूँ यहाँ पे और आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इस चीज के लिए। जैसे सर ने बताया कि एबेकस और वैदिक मैथ्स के बारे में बताना है मुझे, तो आपके यहाँ पे पहले ही स्कूल में हम लोग बच्चों के लिए वर्कशॉप कर चुके हैं उस चीज। बच्चों ने शायद अपने घर में बताया भी होगा, पेरेंट्स आप लोगों को पता लगा होगा, क्लास 1 to 5 हम लोग करते हैं एबेकस। एबेकस बेसिकली है क्या, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अभी सर ने बताया कि बच्चों के मन में फोबिया है, मैथ्स को लेकर फोबिया है, उस फोबिया को दूर करने का एक आसान तरीका है एबेकस। और ये जो है हम लोग करते हैं क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये एक उम्र ऐसी होती है जिसमें बच्चों का माइंड जो है ग्रोन अप हो रहा होता है उस टाइम, और उस टाइम जो बच्चों ने बात सीख ली वो जिंदगी भर उनके मन में रहती है, दिमाग में रहती है। तो इसीलिए एबेकस को जो है क्लास 5 के स्टूडेंट्स तक के लिए अप्लाई किया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के माइंड से अगर मैं सपोज करूँ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर मैं जैसे मेरी एक छोटी बेटी है अभी 8 साल की, मैं उसको बोलता हूँ बेटा आप एक काम करो आज का बैग लेके आओ, आज पापा आपको पढ़ाएंगे, तो पहले घबरा जाएंगे वो कि नहीं आज तो पापा बैठ गए पढ़ाने, तो आज समझो गड़बड़ होने वाली आज का, एक डर पापा का डर होगा और एक उनको डर है कि पढ़ाई का। और उस पर एक अच्छी चीज और हो जाए, अगर मैंने बोल दिया चलो मैथ्स की बुक ले आओ, तो बच्चे और घबरा जाते हैं। अब उनका घबराने का रीजन क्या है कि उनको मैथ्स का एक फोबिया है, डर है कि हमसे मैथ्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा और हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर बच्चे के मन में उसका जवाब है तो डर रहेगा ही नहीं, उसको कोई फोबिया ही नहीं है, फिर वो कुछ ही पूछ सकता है। अभी जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, गर्ल्स हैं बॉयज बैठे हैं इधर, गर्ल्स में 3-4-5 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, सारी चीजें अपने क्वेश्चन रेज किए पूछे, लेकिन लड़कों की स्ट्रेंथ बहुत कम आई। क्यों? अभी बॉयज के मन में फोबिया है, मन में क्वेश्चन बहुत है लेकिन ये पूछने में हेजिटेट कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस घबराने का नाम ही फोबिया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खड़े होकर कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है कि आपके मन में आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग एबेकस को लेकर आए। एबेकस आपका खाली मैथ्स में नहीं, जैसे सर ने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हर एक जगह अप्लाई होता है, उसी तरीके से एबेकस सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। तो हम लोग 1 to 5 के लिए एबेकस कर रहे हैं और 6th class to 9th class तक के लिए हम लोग लेके आए हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में क्या है, बेसिकली उसमें सारे सूत्रास चलते हैं, फॉर्मूलास चलते हैं। जैसे कि अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हम जेई एग्जाम देंगे, नीट करेंगे, एडवांस करेंगे, सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो उस करने के उस एग्जाम को